दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की सौगात देंगे। 29,400 करोड़ की MMRDA BMC परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की रखेंगे आधारशिला। नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 10 और 11 के विस्तार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी आज मुंबई में लगभग 5600 करोड़ रुपए लागत की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा वो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का भी उद्घाटन करेंगे। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग आज आएंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे, हिमाचल बिहार बंगाल की सीटों पर टिकी हैं निगाहें। शुरुआती रुझानों में हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह आगे, सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पीछे। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में उपचुनाव में भी चला ममता का जादू। टीएमसी ने चारों सीटों पर जिस तरीके से बढ़त बनाई है, पहले दौर की काउंटिंग में बीजेपी को काफी पीछे छोड़ा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को झटका, महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते। एमवीए में क्रॉस वोटिंग से शरद पवार समर्थक उम्मीदवार की हार। अब हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, अधिसूचना में लिखा, हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा संविधान हत्या दिवस। सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, हमें हर साल 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस मनाना चाहिए। नीच पेपर लीक केस में 13 आरोपियों की सीबीआई कस्टडी को मिली मंजूरी, आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ, हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। नीच पेपर लीक का सरगना, उसकी तलाश चल रही है सीबीआई। संजीव मुखिया की लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। पटना कोलकाता समेत 4 शहरों में सीबीआई ने छापेमारी की। कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र का इस्तीफा, कल्याण बोर्ड घोटाले का आरोप, आगे की पूछताछ के लिए ईडी को 6 दिन की हिरासत दी गई। लखनऊ हाईकोर्ट में गुटखा विज्ञापन को लेकर सुनवाई, गुटखा का प्रचार करने वाले अभिनेताओं से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, 20 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान बीजेपी कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल, सीएम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, मीटिंग में कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ जाएंगे अयोध्या, सभी सदस्यों के साथ भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कोलानुकोंडा स्कॉन मंदिर में किए दर्शन, पार्टी नेता भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अफसरों समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में एफआईआर दर्ज, टीडीपी विधायक और पूर्व सांसद के रघुराम कृष्ण राजू ने दर्ज कराई एफआईआर। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला, साधन संपन्न लोगों को अब नहीं मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली, विधायकों पूर्व विधायकों समेत टैक्स पेयर्स की भी खत्म की गई सब्सिडी। यूपी के हाथरस में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी टाटा मैक्स गाड़ी, एक दर्जन से ज्यादा यात्री जख्मी, गाड़ी में 35 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दिल दहलाने वाली घटना, नाबालिग लड़की ने बॉयफ्रेंड की गला रेतकर हत्या कर दी, शव के 17 टुकड़े कर स्कूल बैग में भरकर फेंक दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकियों की तलाश में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी, मुस्तैदी के साथ तलाशी अभियान में जुटे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने करीब 75 लोगों को हिरासत में लिया, कठुआ में आतंकियों की मदद करने का संदेह, कठुआ के माचेड़ी लुआंग इलाके से गिरफ्तारी। दिल्ली बर्गर किंग शूटआउट के 3 आरोपियों को हरियाणा पुलिस के सहयोग से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनीपत में किया ढेर, बदमाशों के पास से 5 पिस्टल बरामद।
पश्चिम बंगाल के केशपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस और लॉरी में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 जख्मी। उत्तराखंड के देहरादून में मिली संदिग्ध डिवाइस, एसडीआरएफ की सीबीआरएन टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रेडियो एक्टिव उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 गिरफ्तार हुए। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहे लिफ्ट रुकने के मामले, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क की लिफ्ट हुई खराब, आधे घंटे तक फंसी रही महिला, कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला गया बाहर। सोसाइटी के लिफ्ट में जिस तरीके से महिला फंसी उसको लेकर लोग दहशत में हैं, आगे बढ़ेंगे। देश में बाढ़ और बारिश के कहर से लोग परेशान हैं, यूपी बिहार असम में हालात बिगड़े हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई है मुसीबत। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव। माया नगरी मुंबई में बारिश बनी आफत, बीते 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से मुंबई का बुरा हाल, जलभराव से वाहनों की रफ्तार थमी। मध्य नेपाल की त्रिशूली नदी में लापता 2 बसों की तलाश जारी, गोताखोरों के साथ नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया। बीते दिन नदी में बह गई थी यात्रियों से भरी हुई बस। बिहार के रोहतास में बारिश ने बिगाड़े हालात, यहां मां तुतला भवानी झरने का दिखा रौद्र रूप, बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर, आकर्षक नजारे को देखने के लिए सैलानी भी जुटे दिखे। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का दायरा बढ़ गया, राप्ती और बूढ़ी राप्ती दोनों नदियां खतरे के निशान से पार हैं, दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं, घरों में कैद हुए लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। गाजियाबाद में 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी, कई इलाके जलमग्न, तालाब में बदली सड़कें, आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, स्ट्रेचर पर बैठकर पानी से बाहर निकले प्रिंसिपल। नाइजीरिया में ढहा 2 मंजिला स्कूल, 22 छात्रों की मौत हुई, 100 से ज्यादा जख्मी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि बचाव और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को घटना स्थल पर तैनात किया गया है। रूस में मॉस्को के करीब एक यात्री जेट हादसे का शिकार हो गया, इस हादसे में 3 क्रू सदस्यों की जान चली गई। रूस की सरकारी जांच एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विमान लुकोवित्से से मॉस्को लौट रहा था।